न्यूज 20 से मैं अरुण कुमार शाही चीफ रिपोर्टर। रमजान का महीना चल रहा है और गर्मी भी काफी है, इस मौसम में डायबिटीज के मरीजों को क्या करना चाहिए, इस संबंध में मैं ख्याति प्राप्त युवा चिकित्सक डॉक्टर एके दास से हम बात कर रहे हैं। बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है। रमजान एक पाक महीना है जहां पे हमारे मुस्लिम भाई एक महीने का रोजा रखते हैं, रमजान जिसको बोलते हैं, रमजान महीना है। इसमें पूरा जब से सूर्योदय होता है और सूर्यास्त तक भोजन नहीं करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। ये धार्मिक मान्यता है जिसका पूर्ण रूप से सभी मुसलमान पालन करते हैं। इसमें समस्या ये आती है कि डायबिटीज चूंकि एक वैश्विक महामारी है और भारत में भी इसके बहुत ज्यादा मरीज हैं, तो इसमें वो लोग जिनको डायबिटीज है, वो जिसमें हम लोग साधारणतः बोलते हैं कि व्रत न रखें और ज्यादा समय तक भूखे न रखें, तो ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के कारण अगर व्रत रखना पड़ता है तो उसमें क्या बदलाव करना चाहिए जी। तो डायबिटीज के वो मरीज जिनको रमजान रखना है, उसमें दो तीन सवालों का जवाब पहले खुद से पूछें और फिर अपने चिकित्सक से पूछें कि क्या मैं व्रत रख सकता हूं, पहला सवाल। दूसरा, मैं व्रत रख सकता हूं तो मुझे दवाइयों के अलावा क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और तीसरा कि मुझे अपनी दवाइयों का कैसे निर्धारण करना है कि क्या उन दवाइयों में कुछ हेर फेर करना है या नहीं। तो वो मरीज कौन रमजान रख सकते हैं, डायबिटीज के कौन मरीज रमजान रख सकते हैं, वो मरीज जिनका शुगर लेवल्स रमजान के महीने से पहले शुगर नियंत्रित है अपनी दवाइयों पर, चाहे वो ओरल टैबलेट्स हो, चाहे वो इंसुलिन हो, या उनके जीवन शैली के परिवर्तन के कारण ही वो उनका शुगर अगर नियंत्रित रहता हो, तो वैसे मरीज खुशी खुशी रमजान महीने में रोजा रख सकते हैं। कौन नहीं रख सकते, वैसे मरीज जिनका शुगर अनियंत्रित हो, जिनको हार्ट, किडनी या आंख की समस्या है जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, उनको अगर रोजा रखना हो तो उनको मनाही होगी। रोजा रखते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने डॉक्टर से कम रोजा रखने से पहले एक बार उसका चर्चा कर लें, क्योंकि कुछ दवाइयों का बदलाव करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन करने का समय वो परिवर्तित हो जाता है। लोग शाम में भोजन करते हैं, सुबह में भोजन करते हैं, इफ्तार से लेकर सहरी तक भोजन करते हैं और फिर दिन भर भूखा रहते हैं। तो साधारणतः जो हम लोग दवाइयां लिखते हैं उसका क्लास होता है, एक इंसुलिन का क्लास होता है, और इंसुलिन में दो तीन तरह की इंसुलिन होती है, जिसमें एक रेगुलर इंसुलिन होता है, एक मिक्सटार्ड इंसुलिन होता है, और एक लॉन्ग एक्टिंग लैंटस या बेसलॉग टाइप की दवाइयां होती है। और ओरल टैबलेट्स में फिर सात आठ तरह की दवाई होती है, जिसमें सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करते हैं, आजकल DPP-4 इनहिबिटर्स इस्तेमाल करते हैं, SGLT-2 इनहिबिटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो जिन लोगों को सल्फोनाइल यूरिया इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्लिमिपराइड, जैसे साधारण ब्रांड होता है मेरिल, जिमर, ग्लाइकोमेट GP-1 या ग्लिमिप्रेक्स MF-1, MF-2, MF-3, तो जो ग्लिमिपराइड या ग्लाइक्लाजाइड या कोई भी सल्फोनाइल यूरिया, जैसे कि ग्लाइबेनक्लामाइड जैसी दवाइयां यूज करते हैं, ग्लाइनेस जैसी दवाइयां यूज करते हैं, तो सल्फोनाइल यूरिया चूंकि शुगर लेवल्स को ज्यादा कम कराती है, तो उसके डोज को परिवर्तित करने की और कम करने की आवश्यकता होती है। अगर आप दो टाइम खाते हैं तो आपका मुख्य जो सल्फोनाइल यूरिया का डोज है वो शाम में हो जाता है, जब आप इफ्तार कर रहे होते हैं उस समय। और अगर आप दो टाइम लेते हैं तो सुबह वाले डोज को आपको या तो बंद करना चाहिए या उसके डोज को सेहरी के वक्त में आधी डोज में लेना चाहिए। मेटफॉर्मिन उसी प्रकार सुबह में आप उसका डोज को थोड़ा कम कर सकते हैं, रात के डोज को यूजुअल तरीके से ले सकते हैं। DPP-4 इनहिबिटर्स साधारणतः वंस डेली होता है, तो उसको उसमें कोई डोज परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, उसको आप एक टाइम इफ्तार के वक्त ले सकते हैं। जो SGLT-2 इनहिबिटर्स होते हैं
अभी तक के लिटरेचर में SGLT2 को सेफ नहीं माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से जब से ये दवा आई है तो SGLT2 इनहिबिटर्स का कोई बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस इफ्तार या रोजेदार लोगों के साथ नहीं देखा गया है। मेरे हिसाब से उसके डोज को यूजुअल डोज में लेना चाहिए और SGLT2 जैसे कि डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन या कैनाग्लिफ्लोजिन, तीन तरह की दवाई, या आजकल रिमोग्लिफ्लोजिन करके दवाई आती है बाजार में, तो अगर उन दवाइयों को लेते हो तो आप यूजुअल डोज में ले सकते हैं, लेकिन वो मॉर्निंग डोज से बदल के वो इफ्तार के वक्त हो जाएगा। लैंटस इंसुलिन या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को सेम डोज पे रखना होगा, लेकिन वो डोज जो है वो शाम में होगा, सुबह में नहीं होगा। रेगुलर इंसुलिन लेते हैं अगर 3 बार या 4 बार लेते हैं तो सुबह और दोपहर वाला इंसुलिन को आपको स्किप करना पड़ेगा। तो ये सब टेक्निकलिटीज है जो आपको जानना चाहिए। भोजन में आपको ध्यान रखना चाहिए कि उन सब चीजों जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है उन सबको सर्वथा बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ प्रथा है रोजा को तोड़ने के लिए शरबत का इस्तेमाल करते हैं, रूह अफजा का इस्तेमाल करते हैं, तो हम आग्रह करेंगे लोगों से कि इन सब चीजों का इस्तेमाल न करें, नींबू पानी पिएं, और अगर मीठा चीज है तो उसमें शुगर फ्री, लिमिटेड अमाउंट में शुगर फ्री का इस्तेमाल, जैसे शुगर फ्री नेचुरा या स्टीविया, उस नींबू और पानी के साथ लेके उसको आप उससे रोजा तोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चीनी की शरबत या रूह अफजा या केमिकल वाले जो फूड प्रिपरेशन होते हैं उसको अवॉइड करें। तली भुनी चीज है जिसमें कि कैलोरी इंडेक्स बहुत हो जाता है, डेंस कैलोरी होता है, उसको अवॉइड करें, जैसे पकौड़ा, समोसा, चाट और रेड मीट को अवॉइड करें। फ्रूट्स खाने में आपको ध्यान रखना होगा कि वो फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं हो उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सेब, जैसे कि अमरूद, जैसे कि सीमित मात्रा में तरबूज और खरबूजा, और आप बिना नियंत्रण के मतलब जितना भी चाहे उतना खीरा या ककड़ी खा सकते हैं। आप आम, लीची, अंगूर, अनानास, इन सब चीजों से बिल्कुल ही परहेज करें। और अगर आपको रोजा रखना है तो शाम में सेहरी के बाद इमीडिएट बाद जो है आप एक हल्का फूड लें, और रात के 8-9 बजे तक एक हल्का एक मेजर डिनर ले सकते हैं, और सेहरी के वक्त में लाइट फूड या एक ग्लास दूध लें, उसके साथ कुछ बादाम लें, तो वो बहुत एडवाइजेबल होगा। मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों और बहनों को रोजा की दुआएं देता हूं, सलामती की दुआएं देता हूं, और ईद के आने की खुशियों में सेवई खाने से भी परहेज करने की दुआ देता हूं कि सेवई खाएं तो उसमें मीठा ना रखें, और शुगर फ्री के साथ लें, घी का इस्तेमाल कम से कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।